जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, ओडिया सुख संसार चैनल को आपण समस्तंकु बहुत बहुत स्वागत। नवंबर 8 तारिख रे पड़िबा को जाउची चंद्र ग्रहण। एहा कार्तिक पूर्णिमा दिन पड़ुची एवं एही चंद्र ग्रहण दिन कौन करिबा उचित, गर्भवती महिला कौन करिबा उचित एवं हांडी छड़ा समय केतेटारु केतेटा जाए सब किछि म आज आपनकु एही वीडियो माध्यम रे जणेबी। फ्रेंड्स, 8 नवंबर को चंद्रग्रहण लागिबा को जाउछि। एहा एक भयंकर चंद्रग्रहण अटे। एहा ओडिशा भारत सह विदेश रे मध्य दृश्यमान हेबो। ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ब्राजिल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान रे दृश्यमान हेबा को जाउछि। ज्योतिष शास्त्र रे चंद्रग्रहण रो बहुत महत्व थाए। तो वीडियो टी आरंभ करबा अगुरु जो माने हम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ आछन्ति चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपको पसंद ताहले निश्चय गोटे लाइक कर दिंतु। चंद्रग्रहण रे 6टी राशि भाग्य मध्य बदलिबा को जाउछि। चंद्रग्रहण लागिला समय रे केउ काम करिबा उचित, केउ काम करिबा कथा नहुए, गर्भवती महिला कौन करिबा उचित सबु किछि म आजि आपनकु एही वीडियो माध्यम रे जणाउछि। देखंतु जेबी चंद्रग्रहण लागिथे ना 12टी राशि रे किछि ना किछि प्रभाव पड़िथाय एवं ता सह पृथ्वी रे मध्य एहार प्रभाव पड़िथे। आसत जानिबा वर्तमान हांडी छड़ा समय। चंद्र ग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु हांडी छड़ा करा जैथे। पाक निषेध समय होउची 8 नवंबर 2022 मंगलवार दिन सकाळ 8:30 रु संध्या 6:18 जाय पाक निषेध समय एवं 6:18 रे समाप्त हेबो। गर्भवती महिला कौन करिबा उचित? देखंतु प्रथमे तो गर्भवती महिला यही दिन रे कोनोसी भी कटाकुटी जिनस करंतु नाही। किछि भी जदि पनीपरिबा काटिबार अछि तो निज घर रो जीवी थिबे तांकु कहंतु आपण कटाकुटी करंतु नाही, कारण यहार प्रभाव आपणकर गर्भ रे होउतबा शिशु उपरे पड़िथे। तेणु कटाकुटी काम टोटाली करंतु नाही। नंबर 2, यही दिन कला वस्त्र टोटाली धारण करंतु नाही। कला वस्त्र धारण करले सही व्यक्ति को उपरे अशुभ प्रभाव पड़िथाय एवं सही व्यक्ति को किछि ग्रह दोष मध्य लागिथे। तेणु कला कपड़ा टोटाली यूज करंतु नाही। नंबर 3, एही समय रे चंद्र ग्रहण समय रे टोटाली बाहर बुलाबुली करंतु नाही। जदि सही दिन किछि प्रोग्राम अछि आपनकर बाहर को जिबार तो सही दिन प्रोग्राम टा कैंसल कर दियंतु, बाहर बुलाबुली करंतु नाही, एहा कले भल न थाए। नंबर 4, गर्भवती महिला माने केबे भी एही दिन सिलाई करंतु नाही। बहु जण माने घरे बसी रही सिलाई करिथंती एवं केते जण टेलरिंग दुकान मध्य रखिथंती, किंतु एही दिन रे खास कर गर्भवती महिला माने टोटली सिलासुली काम करंतु नाही। नंबर 5, गर्भवती महिला एही दिन निहाती मंत्र जप करंतु एवं मंत्रटा निज मन मन रे ही जप करंतु, नचे त आपण निज मोबाइल रे मध्ये सुनी परंती। गायत्री मंत्र निहाति सुनंतु आपणक पई भलो रहिबो एवं आपणक गर्भ रे होतबा शिशु पई मध्ये बहुत भलो रहिबो, शिशु को रक्षा मध्ये करिबो ग्रह दोषरु। नंबर 6, एही दिन रोसी करिबा कथा नहि। एही दिन रोसी करा जाय नहि एवं एही दिन जेउ घरे अर्थात चंद्रग्रहण समय रे जेउ घरे रोसी करा जाय सेहा विषतुल्य अटे। तेणु टोटली रोसे करंतु नाही। एही दिन गर्भवती महिला माने हातरे पानी भरा नड़ियाटे रखिथंतु एवं सेही नड़ियाटाकु जेकोनसी गोटे नदीरे किंबा बंधरे भसेइ दियंतु, एहा कले बहुत भल रहिबो। जहाँ भी ग्रहण दोष लागिथिबो ताहा सेही नड़ियाटा शोषि नैथे एवं ताहा जदि आपण पानी रे भसेइ देबे तो आपणक पई भल कोनोसी भी माने कुप्रभाव आपणक शिशु उपरे पड़िबो नाही। वर्तमान आसन जानिबा चंद्रग्रहण समय रे कोन करिबा कथा नहि। प्रथमे तो रोसी करिबा कथा नहि चंद्रग्रहण समय रे, कारण सेही रोसी विषतुल्य होइथे एवं सेही रोसी को जे खांति स्वास्थ्यजनित समस्या देखा देथाय। किंबा ग्रहण लागिला समय रे टोटली खाद्य ग्रहण करंतु नाही। बहु जण बहुत प्रकार थांति किछि भी खाइ थांति तो एमिति भूल मध्य करि दियंतु नाही, एहा एक अशुभ प्रभाव पड़िथाय। नंबर 3, ग्रहण लागिला समय रे पूजा अर्चना करा जाय नाही। आपण निज ठाकुरंग घर कबाट बंद करि दियंतु किंबा किसी जदि आपण पर्दा रखिछन्ति ठाकुरंकु पर्दारे ढांकी दियंतु, कारण टोटली पूजा अर्चना करा जाय नाही।
नंबर 4 तुलसी पत्र तोड़ंतु नहीं किंबा कोनोसी वृक्ष को मध्य इस समय रे छुअंतु नहीं। नंबर 5 ग्रहण सरला परे आपण गाधेबा निहाती जरूरी एवं गाधंतु घर को पोछा मारंतु गंगा जल छिंचण करंतु एवं आपण गाधे सरला परे आपण पिंधिथिबा कपड़ा सांगे सांगे अखाळी दियंतु कारण ग्रहण लागिथिबा कपड़ा मध्य भल नुहे। जदि आपण चाहूचंदि काहाकु दान करिबा पे तो निहाती दान मध्य आपण करि पारंती। नंबर 6 ग्रहण लगला समय रे केबे भी शारीरिक संपर्क रखंतु नाही कारण शारीरिक संपर्क रखिबा आपणकर संतान उपर यार कुप्रभाव पड़िथे एवं दुई दाम्पत्यंग भितर मध्य फाट सृष्टि हेथे। तो आसंतु जानिबा से शुभ राशि जोड़े कि जहार भाग्य ही बदलिबा जाउछि एही कार्तिक पूर्णिमा ठारु। देखंतु चारोटी राशिर भाग्य ही बदलिबा को जाउछि एवं केउ चारोटी राशि अशुभ ताहा मध्ये म आपणको जणैबि। देखंतु एही चारोटी राशि अर्थात मिथुन राशि, कर्कट राशि, बिछा राशि, कुंभ राशि एही चारोटी राशि पे बहुत शुभ रहिछि। इमानकर जीवा जागारे काम बनिबो, आर्थिक समस्या दूर हब एवं लाइफ रे एमिति हठात धन आसीबार मार्ग मध्ये फिटिबो। लोके इमानको रेस्पेक्ट देबाकु लागिबे एवं जति भी एही चारोटी राशि आउथरे कहि दउछि मिथुन राशि, कर्कट राशि, बिछा राशि, कुंभ राशि एपर्यंत जदि चाकरी जनित समस्या लागि रहुछि तो निहाते आपण चाकरी पाइबे। आपणकर अल्प चेष्टारे बहुत बड़ सफलता आपण प्राप्ति करिबे। किंतु अशुभ राशि होछि मेष राशि, वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि एही चारोटी राशि को टिके सतर्क ही रहिबा को पड़िबो कारण एही चारोटी राशि पई एते किछि शुभ नहि। इमाने कर किछि भी गड़बड़ मध्ये देखा दे पारे जेमिति कि दाम्पत्य जीवन इमाने कर एते ठीक ठाक ले चलिबो नहि। एही चारोटी राशि एही दिन अर्थात चंद्र ग्रहण दिन जेते ही पड़िबो चुप ही रहिबा आपणक पई भल। तेणु एहा ही अटे अन्य चारोटी राशि मध्यम धरण रहिछि। एही चंद्रग्रहण समय रे आपण गायत्री मंत्र शुणी पारंती किंबा गायत्री मंत्र उच्चारण करिबा आपणक पई भल। तो कार्तिक पूर्णिमा रे कोन सब नियम रहिछि जोटा करिबा द्वारा आपणक घरे धनधान्य तो परिपूर्ण हेबो एवं जदि आपणकु इच्छै टंकार अभाव लागि रहुछि, धनर अभाव लागि रहुछि, काम मिळु नाही, टंका पैसा खर्च ही होउछि, खर्चर लिस्ट बढ़ी जाउछि, जेउ कामरे हाथ देले खाली नष्ट ही होउछि तो एही कार्तिक पूर्णिमा रे किछि एमिति उपाय करंतु जो द्वारा माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबो एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा आपण पाइपारिबे। नंबर 1 कार्तिक पूर्णिमा दिन सकाळ उठि स्नान करिबा उचित। सकाळ निहाती आपण उठंतु एवं डंगा भसेबा पई निहाती जांतु। कार्तिक पूर्णिमा रे मु अन्य एक भिडियो रे कहिछि चंद्रग्रहण लागुछि एही वर्ष कार्तिक पूर्णिमा रे तो सेही कोउ समय रे आपण डंगा भसेबाटा शुभ ताहा मु अन्य एक भिडियो रे कहिछि तो निहाती से भिडियो टा देखंतु। नंबर 2 पूर्णिमा माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय। जो मानकर धनर अभाव लागि रहुछि तो निहाति पूर्णिमा पालन करिबा उचित। पूर्णिमा माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय, माँ लक्ष्मीकर आराधना पूजा पाठ करिबा उचित पूर्णिमा दिन जो द्वारा माँ लक्ष्मीकर कृपा बहुत जल्दी प्राप्ति होइथे, बहुत जल्दी माँ डाकरा सुनि ही थांती, दुख दारिद्रता दूर होइथे। तो निहाति पूर्णिमा दिन कार्तिक पूर्णिमा दिन माता लक्ष्मीकर किछि मंत्र उच्चारण करंतु, माँ लक्ष्मीकु संतुष्ट करिबा पई तांकर सह जोडित किछि उपाय मध्ये करंतु। नंबर 3 माँ वृंदावतींकर पूजा पाठ करिबा उचित। सकाळे एवं संध्याले घिअ दीपरे पूजा करिबा उचित पूर्णिमा दिन। नंबर 4 पूर्णिमा दिन माता लक्ष्मी ओस्त गछरे विराजमान थांती, ओस्त गछरे कंचा क्षीर किछि मिश्री जल ढाळी पूजा करिबा उचित जो द्वारा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं जेउ व्यक्ति एही पूजा करिथांती तांकु तांकर सबु इच्छा पूरण करिथांती एवं जहाँ तांकु दरकार आवश्यक जहाँ से माता लक्ष्मी को मागी भी नथिबे से सबु इच्छा मध्य पूरण करिथांती अर्थात गुप्त इच्छा मध्य पूरण करिथांती। नंबर 5 पूर्णिमा दिन असहाय लोकंकु किछि चाउल दान करंतु जो द्वारा पुण्य प्राप्ति होइथाय एवं आपणक घरे केबे भी धनर अभाव रहि नथाय, केबे धनर अभाव एवं अन्नर अभाव मध्ये केबे देखा जाय नथाय जदि आपण पूर्णिमा दिन किछि चाउल दान करुछंती। नंबर 6
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନବାଞ୍ଛିତ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଦିନ 21ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ନଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରେଖାରେ ନଥାଏ, ସେଇଟା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 21ଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିହାତି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳଖିର ଢାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ସେହି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ତ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 8, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷୀରି, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅତି ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି ନିହାତି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଧଳା ମିଠା ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଗରେ ଲଗେଇବେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମାତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ଦେବାର ଏବଂ ସେହି ଧନ କାହାକୁ ଦେବା ଉଚିତ କାହାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଟା ହିସାବ କିତାବ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ମାତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ହୁଏନି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁକର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।